नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मिसा नेशन न्यूज चैनल। और सेलिब्रिटी में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बिजनौर की। आपको बता दें कि यहां पर जो है जनपद बिजनौर की एसपी दिनेश सिंह और साथ ही अपर एसपी सिटी डॉक्टर परविंद रंजन सिंह ने यहां पर थाना किरतपुर क्षेत्र की यहां पर चौकी भुनेड़ का यहाँ पर जो है आकस्मिक निरीक्षण किया है। और साथ ही आपको देखिए, यहाँ पर निरीक्षण के दौरान पुलिस चौकी की यहाँ पर साफ सफाई और चौकी प्रभारी आवास आदि को भी यहाँ पर चेक किया गया। संबंधित को यहाँ पर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। इसी दौरान यहाँ पर एसपी सिटी डॉक्टर परविंद रंजन सिंह और साथ ही क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद थाना प्रभारी किरतपुर भी वहां पर मौजूद रहे। और चलिए बात अब हरिद्वार की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है उत्तर भारत के साथ साथ ही उत्तराखंड में भी यहाँ पर ठंड ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। कड़कड़ाती ठंड ने यहाँ पर धर्मनगरी हरिद्वार में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। गरीब लोगों को यहाँ पर ठंड के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कड़कड़ाती ठंड को देखते हुए बताया जा रहा है कि यहाँ पर देर रात उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में बने यहाँ पर महिला और साथ ही पुरुष रैन बसेरे का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। अधिकारियों को निर्देश दिया और कहा कि यहाँ पर खुले आसमान के नीचे रह रहे यहाँ पर लोगों को रैन बसेरे की यहाँ पर जानकारी मिल सके, इसके लिए भी यहाँ पर लोगों को जागरूक करें और उन सभी को यहाँ पर रैन बसेरे में लाने का काम करें। देखिए, अभी मैं सीसीआर के बाद जो रैन बसेरे हमारे नगर निगम द्वारा संचालित है उसका मैं निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया और मैंने पाया कि जो वहाँ पे रैन बसेरा में चाहे पुरुष की साइड में या इधर महिला की साइड में पांच लोग वहाँ थे और पांच लोग यहाँ थे। तो मेरे द्वारा उनसे जानकारी ली गई, क्या वो उनसे कोई शुल्क तो नहीं लिया जा रहा, उनको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मुझे खुशी इस बात की है कि इस प्रकार की कोई शिकायत उनके द्वारा नहीं की गई। साथ में मेरे द्वारा जो यहाँ उपस्थित हैं SNA नगर निगम के, उनसे जानकारी ली गई कि पूरे इस क्षेत्र में कितने अलाव जलाए जा रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ भी अलाव जला है, 20 अलाव अभी तक जैसा इनके द्वारा जानकारी दी गई है। बस मैंने इतना ज़रूर कहा है कि जो अन्य लोग हैं जो अभी सड़कों पर हैं उनके पास भी सूचना होनी चाहिए कि रैन बसेरे उनके लिए सरकार के द्वारा नगर निगम के द्वारा यहाँ उपलब्ध हैं, तो वो अपना कम से इतनी कड़े कड़ाके की ठंड में वे यहाँ पे उसका आश्रय ले सकते हैं। इतने ठंड में बचने के लिए सरकार जो प्रयास कर रही है, मैं उसी नाते आज यहाँ देखने के लिए आता। मुझे खुशी है कि सब लोग इसमें जिस प्रकार से काम कर रहे हैं अच्छा लगा। देखिए, अभी मैं CCR के बाद जो रैन बसेरे हमारे। और चलिए बात हरिद्वार की पुलिस की करेंगे। आपको यहाँ पर हरिद्वार पुलिस ने एक ऐसे फर्जी गैंग का खुलासा किया है जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सरकारी विभागों में नौकरी लगवाने का झांसा देकर लोगों से पैसे ऐंठने का काम करता था। पुलिस टीम ने यहाँ पर गैंग के चार सदस्यों को भी गिरफ्तार किया। सभी आरोपी लक्सर क्षेत्र के निवासी हैं, जिनके कब्जे से पुलिस ने एक फर्जी नियुक्ति पत्र, सरकारी विभागों की मोहर और साथ ही पुलिस की यहाँ पर वर्दी, कई गाड़ियां और मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। चारों आरोपी अभी तक नौकरी के नाम पर सैकड़ों बेरोजगारों से करोड़ों रुपए की ठगी कर चुके हैं। देखिए, ये विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुछ दिन पूर्व शिकायत प्राप्त हो रही थी कि बेरोजगार युवकों को विभिन्न विभागों में जैसे स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा विभाग के नाम पर लोक सेवा आयोग और UKSSC के बैनर तले जो परीक्षाएं होती हैं उसमें जो है कुछ 10% विभागीय कोटा होता है उसको कहकर और उसमें डायरेक्ट नियुक्ति होगी इंटरव्यू के बाद, ऐसे कह के काफ़ी सारे युवकों को युवतियों को ठगा जा रहा था। चूँकि उसमें नियुक्ति की डेट जो थी वो कभी 5 महीने 6 महीने बाद होती थी, इस कारण से जब परीक्षार्थी वहाँ पहुँचता था उसे लगता था कि वहाँ उसकी नियुक्ति नहीं मिली है, तो भी उससे अन्य एक्स्ट्रा पैसे लेकर अन्य विभाग में कराने की बात कहकर उसका विभिन्न होटलों में इंटरव्यू कराया जाता था, जिसमें एक गैंग पूरा शामिल था। और उस इंटरव्यू में ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता था कि उस विभाग का कोई अधिकारी आया है, चूँकि वो उनके पास विभिन्न तरह की गाड़ियाँ थी जो बरामद हुई, 3 गाड़ियाँ, साथ ही साथ 2 गार्ड भी रखते थे जो और आर्मी की यूनिफॉर्म और पुलिस की यूनिफॉर्म में देखते थे, तो ऐसा लगता था छात्रों को कि कोई सरकारी व्यक्ति है जो उनकी इंटरव्यू ले रहा है। इस तरह से करीब 100 से ज़्यादा छात्रों का भी प्रारंभिक जांच से पता चला है कि उनसे 4 से 6 लाख 8 लाख रुपए लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। इसमें 4 लोग की गिरफ्तारी हुई है,
जो लक्सर और पथरी क्षेत्र के रहने वाले हैं, एक अभियुक्त अभी फरार है, जिसमें चारों की गिरफ्तारी में एक महिला भी है जो इसमें लाइजनिंग का काम करती थी, साथ ही साथ एक व्यक्ति सिद्धार्थ जो ऐसे युवकों को विभिन्न क्षेत्रों से लाकर नियुक्ति पत्र बनाते थे। लैपटॉप से अहम जानकारी मिली, बहुत सारे इसमें विभिन्न विभागों की फर्जी मोहरें मिली हैं और 90,000 रुपये कैश भी बरामद हुआ है। इनसे जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसमें 5 थानों में अभी तक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और अन्य छात्रों को अभी इसमें जानकारी मिली है कि उनके द्वारा भी इसमें इस तरह की शिकायतों को थाने पर दिया जाए। और चलिए बात अगली खबर की करेंगे आपको, तो यहाँ पर देश में कोरोना के यहाँ पर नए वेरिएंट से यहाँ पर सावधान होने की भी अपील की जा रही है और साथ ही आपको देखिए यहाँ पर कोरोना टीके पर जोर दिया जा रहा है ताकि यहाँ पर कोरोना के प्रति लोग सजग रहें, लेकिन लक्सर स्वास्थ्य विभाग पर 3 दिनों से वैक्सीन उपलब्ध नहीं है जिसके कारण यहाँ पर बूस्टर डोज लगवाने वाले व्यक्ति भी यहाँ पर बेरंग लौट रहे हैं और सीएससी पर 3 दिनों से चक्कर काट रहे सागर और साथी उसके भाई का कहना है कि यहाँ पर स्कूल और साथी अन्य संस्थाओं में भी कोरोना टीके का प्रमाण पत्र दिखाना पड़ रहा है जिसके कारण बहुत समस्या हो रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लक्सर में तैनात देवेंद्र का कहना है कि यहाँ पर केंद्र पर बूस्टर डोज उपलब्ध थी लेकिन उसे दिसंबर में एक्सपायर होना था इसलिए डोज वापस भेज दी गई है। बूस्टर डोज तो लग ही नहीं है साहब, यहाँ भी बता रहे कि वैक्सीन आई नहीं है हमारे पास जो है, और 2 दिन से हम कंटिन्यू आ रहे हैं यहाँ लगवाने के लिए और इसकी आवश्यकता इतनी बढ़ गई है स्कूल में, हर जगह इसकी डिमांड हो रही है कि सर्टिफिकेट चाहिए बूस्टर डोज का। मैं अब ये मेरा भाई है, इसका रिजल्ट आना था CCS से, मेरठ यूनिवर्सिटी से, अब वहाँ बूस्टर डोज मंगा रहे कि सर्टिफिकेट ला दो बूस्टर डोज का, अब वो जो है उसके बिना इसका रिजल्ट निकल नहीं रहा बाहर। हमारे पे जो डोज थी वो लगाई गई हैं, अभी 4-5 दिन से हमारे यहाँ जो वैक्सीन एक्सपायर हो गई थी उनको वापस मंगा लिया गया है, तो हमने डिमांड करी भी है ऊपर, तो शायद कल हमारे यहाँ वैक्सीन आ जाएगी तो फिर से काम लगानी शुरू कर दिया जाएगा। वहाँ पे मेरे को CCSU में हॉस्टल भी अवेलेबल नहीं कराया कि आप सर्टिफिकेट लेके आओ तभी हॉस्टल मिलेगा आपको, तो यहाँ पे 2 दिन से। लक्सर के मुंडाखेड़ा कला गांव की यहां पर राजकीय इंटर कॉलेज में लक्सर उपजिलाधिकारी गोपाल राम बिनवाल पंचायत चौपाल कार्यक्रम का उन्होंने यहां पर आयोजन किया। कार्यक्रम में गांव के लोग अपनी शिकायत को लेकर पहुंचे। कार्यक्रम में यहां पर ज्यादातर शिकायत राशन डीलर की तरफ से सरकारी खाद्यान्न के वितरण संबंधी, गाँव के रास्तों पर अतिक्रमण संबंधी, यहाँ पर गाँव के पानी की निकासी संबंधी, खेत की रोड जमीन पर कब्जे संबंधी यहाँ पर तमाम शिकायतें पहुंची, जिनमें से ज्यादातर शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही पहुंचे अधिकारियों ने मौके पर ही कर दिया। कुछ ऐसी शिकायतें भी यहां पर रही जिनकी तत्काल जांच के आदेश जारी कर दिए गए। एक तो अपने रास्ते की है जी, रास्ते में पानी भर रहा बहुत ज्यादा की शिकायत की है। एक हमें राशन जो कम मिल रहा था की शिकायत की है हमने, अब हमने लिखवा दिया है, देखते हैं कितने दिन में समाधान करके। पब्लिक की जो समस्याएं थी उनको सुना गया, कुछ समस्याएं यहाँ पर लोगों के द्वारा की गई जो विशेष करके विकास से संबंधित है, नालियों का निर्माण होना है, साफ सफाई से संबंधित है, पुलिया निर्माण से संबंधित है, अन्य जो राशन वितरण से संबंधित जो चीज़ें हैं बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर की जा रही है, किसी प्रकार की शिकायत नहीं है। विद्यालयों का संचालन अच्छी तरीके से किया जा रहा है, आंगनबाड़ी केंद्र संचालित अच्छी तरीके से हैं, 8 आंगनबाड़ी केंद्र हैं लेकिन भवन नहीं है, इससे थोड़ी दिक्कतें हैं। तो इस प्रकार की एक आध सड़कों पर अतिक्रमण की शिकायतें की है जिसका मौका निरीक्षण किया जाएगा। और मोस्टली यहाँ पर पेंशन से संबंधित भी बहुत ज़्यादा शिकायतें प्रकाश में नहीं आई, तो कुल मिलाकर के जो समस्याएं गांव वालों के द्वारा रखी गई हैं जो इस स्तर पर उसका समाधान होगा तहसील लेवल पर किया जाएगा, और जो समस्याएं जिले लेवल की या शासन लेवल की होगी कोशिश की जाएगी कि शासन स्तर पर उसको भेज करके उसका निराकरण कराया जाएगा। और इसके बाद लक्सर की ही करेंगे आपको, तो देखिए यहाँ पर बीजेपी ने अपने OBC और साथ ही अनुसूचित मोर्चे का विस्तार करते हुए कई लोगों को यहाँ पर मोर्चे में प्रांतीय स्तर की जिम्मेदारी सौंपी है। इनमें लक्सर क्षेत्र की वरिष्ठ बीजेपी नेता महेंद्र धीमान को OBC मोर्चे के यहां पर प्रदेश महामंत्री और वरिष्ठ दलित नेता ऋषिपाल को अनुसूचित मोर्चे के प्रदेश महामंत्री और राम सिंह वाल्मीकि को यहां पर प्रदेश मंत्री बनाया गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के लक्सर पहुंचने पर लक्सर नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष अतुल गुप्ता की अगुवाही में मंडल के कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से स्वागत किया। इस मौके पर नवनिर्मित यहाँ पर पदाधिकारियों ने कहा कि यहाँ पर पार्टी हाईकमान और साथ ही प्रदेश नेतृत्व जो भी यहाँ पर उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है और दिखाएंगे यहाँ पर पार्टी के आगे की बढ़ाने को लेकर भी पार्टी की गाइडलाइन की यहाँ पर अनुसारित 2024 के भी लोकसभा चुनाव की यहाँ पर तैयारी में जुट जाएंगे। मैं प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व का पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो मुझे छोटे से कार्यकर्ता को एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। और मैं जो लक्सर के अपने
जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं और उन्होंने मुझे सहयोग किया और पहले भी सहयोग किया, आगे भी सहयोग करते रहेंगे, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मुझे जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी उसका मैं पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा और सबको साथ लेकर चलूंगा, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रत्येक कार्यक्रम निष्ठा ईमानदारी से करूँगा और जो मुझे जिम्मेदारी मिली उसको मैं बखूबी निभाऊंगा। इसके लिए मैं जिला, प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व और अपने लक्षर क्षेत्र के जो हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता हैं उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। प्रदेश उत्तराखंड सरकार का मैं बहुत आभारी हूँ, विजय से आदमी को ऐसा पद दिया, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। सन 1924 आया जब मोदी जी को सभी संप्रदाय लोग आगे बढ़ाएंगे तो मैं वादा करता हूँ आपसे कि अनुसूचित मोर्चा या हम लोग जो गरीब लोग हैं वो मोदी जी को दोबारा लोकसभा में भेजने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे, ये आपसे मैं वादा करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार करता हूँ। व्यापार मंडल की ओर से जो लक्सर को दो दो प्रदेश महामंत्री दिए और एक प्रदेश मंत्री अनुसूचित मोर्चा भी लक्सर को दिया, लक्सर जैसे क्षेत्र के लिए ये बड़ी बात है। व्यापार मंडल, केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता है। उत्तर प्रदेश की उत्तरा और साथ ही आपको देखिए यहाँ पर उत्तराखंड में नशे का सिंडिकेट चलाने वाली शातिर महिला तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही आपको दादी न्यायालय में पेश कर दिया गया। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जनपद उधम सिंह नगर की पुलिस मुखिया मंजुनाथ दोषी की तरफ से यहाँ पर इनामी अपराधियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और जिसके चलते काशीपुर कोतवाली पुलिस लगातार इनामियों को धरपकड़ उनकी कर रही है और कानूनी पिंजरे में यहाँ पर बंद करने का काम कर रही है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर उसी अभियान के तहत फरार चल रही यहाँ पर एक महिला जो कि यहाँ पर स्मैक तस्कर है उसको गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। आपको बता दें कि यहाँ पर रेशमा नाम की यहाँ पर महिला काशीपुर में लंबे समय से इसकी यहाँ पर तस्करी कर रही थी। आदेशों के क्रम में और एसएसपी उधम सिंह नगर मामले के आदेश पर ये इनामियों को पकड़ने का एक अभियान चल रहा है। इसी अभियान के तहत एक काशीपुर पुलिस की एक अच्छी सफलता हाथ लगी है, जिसमें इन्होंने एक 15,000 की इनामी महिला जिसका नाम रेशमा है और जो पिछले लगभग 6 वर्षों से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त है, इस महिला को हमने अरेस्ट किया है। इस महिला के ऊपर 6 मुकदमे हाल में दर्ज हैं 2016 से, पूर्व में इसकी गैंगस्टर एक्ट में भी इसके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। उसके बाद इसकी कुछ संपत्ति उस प्रकरण में निकल के आई नहीं थी तो उसका जब्तीकरण नहीं हुआ है। वर्तमान में ये 3 साल बाद नए फिर गैंग बनाकर संगठित तरीके से अपराध कर रही है। पिछली बार वर्ष 2021 में एक 200 ग्राम स्मैक के मामले में इसने 3 लड़कों को स्मैक सप्लाई की थी काशीपुर क्षेत्र में बेचने के लिए, उसी के प्रकरण में ये उन तीनों के द्वारा इसका नाम जाहिर किया गया था कि इसके द्वारा वो ये सब सामान लेके आते थे और यहाँ बेचते थे। तो उसी प्रकरण में इस महिला की तलाश पुलिस को थी लंबे समय से, इसका हमने वारंट लिया, उसके बाद हमने इसको इनामी बनाया और अब हाल फिलहाल इसकी अरेस्टिंग हुई है और माननीय न्यायालय के समक्ष इसको पेश किया जाएगा। चलिए बात चमोली की करेंगे। आप तो देखिए यहाँ पर नए साल के जश्न के लिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने भी जो है उस जिले में यहाँ पर कमर कस ली है और आपको बता दें कि नए साल के आवागमन पर औली सहित तमाम पर्यटक स्थलों में यहाँ पर पर्यटकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। जिले के यहाँ पर अन्य स्थानों सहित यहाँ पर जोशीमठ औली में सभी होटल बुक हो गए हैं। नए साल के आवागमन पर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए, बिना परमिशन के किसी भी होटल में जश्न नहीं मनाया जाएगा। नए साल में यहाँ पर जाम ना लगे इसके लिए भी यहाँ पर पूरा प्लान तैयार कर लिया गया। हुड़दंगियों पर भी नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार कदम उठा रही है। सभी जो जहां से भी टूरिस्ट आएंगे सभी टूरिस्टों का यहां स्वागत है तथा कोविड के संबंध में जो सरकार की गाइडलाइन है उनका पालन करना चाहिए सभी को और हम लोग करवाएंगे भी। बहुत ज़्यादा अभी बर्फबारी तो नहीं हुई लेकिन भीड़ काफ़ी आने वाली है। सभी होटल्स करीब करीब सभी के यहाँ बुकिंग फुल है। फिर भी जो भी व्यवस्थाएं होंगी उसे पूर्ण कर दिया जाएगा। ट्रैफिक के संबंध में हमने ट्रैफिक प्लान तैयार कर दिया है तथा औली तथा जोशीमठ में सभी जगह फोर्स लगाया जाएगा और हमारा फोर्स 29 से ही अपना काम करना शुरू कर देगा। चलिए बात अल्मोड़ा की करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर अल्मोड़ा जिले की विकासखंड सल्ट में सल्ट विधायक महेश जिनानी यहाँ पर शहीद गोपाल सिंह रावत राजकीय इंटर कॉलेज मछोड़ में खेल मैदान विद्यालय में यहाँ पर नवभवन निर्माण का उद्घाटन किया।
विधायक महेश जिना ने शहीद गोपाल सिंह रावत की यहाँ पर फोटो पर पुष्प अर्पित किए। राजकीय इंटर कॉलेज मछोड़ में बताया जा रहा है कि खेल मैदान यहाँ पर जो है बनाया जा रहा है और विद्यालय में यहाँ पर नव भवन का भी निर्माण हो रहा है। और साथ ही आपको देखिए उत्तराखंड पेयजल निगम रानीखेत के यहाँ पर अंतर्गत उसकी ही देखरेख में यहाँ पर इसका पूरा जो है काम किया जा रहा है। आज हमारे मछोड़ इंटर कॉलेज में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो घोषणा की गई थी उसमें 3,98,00,000 रुपए उनके द्वारा में स्कूल की बिल्डिंग के लिए और 1,00,00,000 रुपया यहाँ के ग्राउंड के लिए दिया गया है और इसका आज शिलान्यास हुआ और उनके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं और इसी प्रकार की कृपा उनकी सभी जगह बनी हुई है। आज हमारे सांसद जी को भी हमने बुलाया था लेकिन वो आज आ नहीं पाए हैं और उनका भी धन्यवाद है कि ये CNS के द्वारा जो कार्य हो रहा है और उसके लिए हम पूरा अपनी प्रदेश की सरकार का। और चलिए बात अब फरीदाबाद की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर फरीदाबाद में 7 साल की बच्ची की अपहरण कर रेप के बाद हत्या कर दी गई। मासूम बच्ची की हत्या कर अरावली के जंगलों में उसका शव फेंक दिया गया। सूरजकुंड थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 2 दिन पहले घर से स्कूल के लिए निकली मासूम के साथ इस घटना को अंजाम दिया। 7 साल की बच्ची की अपहरण कर रेप के बाद हत्या कर दी गई है। मासूम बच्ची की हत्या कर अरावली के जंगलों में उसका शव को यहाँ पर फेंक दिया गया। साथ आपको बता दें कि यहाँ पर 2 दिन पहले जो है स्कूल के लिए घर से निकली थी मासूम और पुराने मकान मालिक के लड़के पर रेप के बाद हत्या करने का आरोप लगा है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने यहाँ पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची की डेड बॉडी को भी जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया था। और चलिए बात अब भिंड की करेंगे। आप तो यहाँ पर जिला माइनिंग अधिकारी की बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखी जा रही है जहाँ पर बरेठी खुर्द में अवैध खनन करती पॉकलैंड मशीन को जब्त कर लिया गया। हमारे पुलिस और साथ यहाँ पर माइनिंग भिंड की तरफ से बरेठी खुर्द खदान पर अवैध रेत उत्खनन करते पॉकलैंड मशीन को पकड़ा और पुलिस की तरफ से यहाँ पर अवैध रेत परिवहन करते और बगैर रॉयल्टी के यहाँ पर 3 ट्रैक्टर भी जब्त कर लिए गए हैं। रेत परिवहन पर पूर्ण अंकुश की हिदायत भी यहां पर अब बेअसर होती हुई दिखाई दे रही है लेकिन आपको बता दें कि यहां पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और इसी बात अगली जो है खबर की करेंगे। आपको बता दें कि यहां पर भिंड जो है पुरानी रंजिश को लेकर भी बवाल देखा जा रहा है जहां पर लाठी डंडे से यहां पर लैस एक दर्जन बदमाशों ने पीछा कर यहां पर एक चाचा भतीजे को जमकर पीटा है। चाचा भतीजा दोनों बताया जा रहा है कि इस मारपीट में घायल हो गए थे। बचाने आए स्थानीय लोगों ने भी लाठी डंडों से यहाँ पर बदमाशों को खदेड़ दिया। बाइक छोड़कर भागे बदमाशों के यहाँ पर बाइकों में भी तोड़फोड़ की गई। मौके पर पहुंचे पुलिस फोर्स और घायल चाचा भतीजे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुराने मामले में यहाँ पर राजीनामा को लेकर चल रहा है पूरा विवाद इस तरह से घटना तक पहुंचा और साथ ही आपको देखिए यहाँ पर नए भवन परिसर की यहाँ पर यह घटना है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और चलिए बात अब उमरिया जिले की करेंगे। आपको तो देखिए यहाँ पर बीर सिंह पूर्व पाली जनपद पंचायत की यहाँ पर घुनघुटी ग्राम पंचायत में छात्रावास और साथ ही विद्यालय के यहाँ पर 10 कक्षों के निर्माण की यहाँ पर आधारशिला मध्य प्रदेश सरकार की आदित्य जाति कल्याण विभाग की कैबिनेट मंत्री मीना सिंह ने यहाँ पर किया है। इस निर्माण में लगभग 7,08,81,000 रुपए की लागत से बनाया जाएगा जिसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर 50 सीटर छात्रावास की यहाँ पर लागत जो है 3,33,000 के करीब है। और साथ ही आपको देखिए यहाँ पर जो है इस तरीके से इस धनराशि का यहाँ पर आवंटन किया गया। साथ ही आपको देखिए यहाँ पर छात्रावास भवन के लिए 3,33,00,000 रुपए और 31,000 की धनराशि के अतिरिक्त यहाँ पर विद्यालय भवन के लिए 2,80,92,000 रुपए की लागत से बनने वाले भवनों के यहाँ पर आधारशिला को रखा गया। साथ ही यहाँ पर मंत्री मीना सिंह ने उपस्थित जन समुदाय को भी संबोधित किया। देखिए ये लागत छात्रावास भवन और स्कूल अतिरिक्त कक्ष का है, 10 कमरे उसके लिए दिए गए हैं और दोनों भवन छात्रावास मिलाकर के 7 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है और ये मेरे ट्राइबल डिपार्टमेंट से विभाग से दिया गया है। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे बच्चों के लिए छात्रावास भवन जब बनेगा तो वो अच्छे से रहने के लिए होगा और जो अतिरिक्त कक्ष 10 कमरों का होना है उससे विद्यालय में जो संख्या ज़्यादा थी बच्चों की और उससे चूँकि जो पहले भवन बनाया गया था तो उस समय बच्चे कम थे तो उस हिसाब से बना था
और बच्चों की असुविधा को देखते हुए 10 कमरे बनाए जा रहे हैं अतिरिक्त कक्ष के रूप में। तो ये जो भवन कंप्लीट होगा तो हमारे बच्चे अच्छे से बैठ सके और पढ़ाई करेंगे।